नमस्कार साथियों, आज हम देखते हैं यूनियन बैंक का ऑनलाइन नेट बैंकिंग। हम किस प्रकार से घर बैठे ही नेट बैंकिंग एक्टिवेट करें, तो आज हम आसान से स्टेप में देखते हैं नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करना। लेकिन इसके पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेड बटन को क्लिक कर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, उससे आपको हमारी आने वाली जितनी वीडियो हैं आपके स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त होगी। चलिए, तो हम नेट बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए आप जो है कि URL टाइप करें www.unionbank.online.co.in, जिससे यूनियन बैंक का नेट बैंकिंग पेज ओपन हो जाएगा। इनका कॉमर्स प्रोफेशनल साइट अलग होता है, ये ऑनलाइन साइट है नेट बैंकिंग के लिए। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। इसमें पहले से यदि रजिस्टर्ड है तो रिटेल यूज़र है, और नहीं है तो यहाँ पर दे रखा है सेल्फ यूज़र क्रिएशन, इसे आप क्लिक करें। ओनली व्यू करना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन है, और यदि आप ट्रांजेक्शन भी चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है। तो इसमें दे रखा है ऑनलाइन सेल्फ यूज़र क्रिएशन, इसे हम क्लिक करते हैं। क्लिक है टू क्रिएट इंटरनेट बैंकिंग यूज़र्स, इसे क्लिक करने पर इसका बैंकिंग यूज़र सबमिशन फॉर्म आ जाता है, या गया जिसमें अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर ये फिल करना है और इसको सबमिट करना है। जैसे ही आप डिटेल फिल करेंगे तो यहाँ पर डेबिट कार्ड नंबर का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें पिन नंबर और ट्रांजेक्शन अमाउंट ये सब पूछेगा, तो ये आपको फिल करना है। जैसे ही आप इसे जो है कि सबमिट करेंगे, आपके मोबाइल पर OTP आएगा जो आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा। यहाँ पर जो है कि आप अपना लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड दोनों अलग अलग रहेंगे, वो आप यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए।